हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशिया को बहुत बड़ा झटका देने के लिए जो बाइडेन हुए तैयार। बताएंगे दोस्तों, रशिया के सभी टॉप वैज्ञानिकों को खरीदने का प्लान है जो बाइडेन का। अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको बताएंगे इसके लिए क्या लॉन्च किया है जो बाइडेन ने। और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहां रशिया ने उड़ाया ओडेसा एयरपोर्ट, तो यूक्रेन ने हवा में ही ले लिया बदला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे दो सुखोई समेत 9 टारगेट ध्वस्त कर दिए गए हैं दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पाकिस्तान को भीख में मिला इतने बिलियन डॉलर का पैकेज, पीएम शहबाज ने डूबते देश को बचाने के लिए सऊदी अरब के सामने फैलाई थी झोली। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पर इमरान खान समेत 150 लोगों पर FIR। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी वजह आपको इसी बीच बताएंगे, जहां पर यूक्रेन का बड़ा आरोप, रूसी सेना ने कब्जे वाले क्षेत्रों से की कई लाख टन अनाज की चोरी। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे, जहां उद्धव सरकार को राज ठाकरे की धमकी, कहा 3 मई तक ना हटे मस्जिदों से लाउडस्पीकर, तो आगे जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। और दोस्तों हर तरह की खबर आपको बताने वाले हैं, कोरोना गाइडलाइन से लेकर हर तरह की जानकारी, गर्मी से लेकर मौसम विभाग की सारी जानकारी देने वाले दोस्तों। आराम से बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस के सभी टॉप वैज्ञानिकों को खरीदने का बड़ा प्लान जो बाइडेन ने लॉन्च किया। ऑपरेशन पेपर क्लिप, पुतिन हुए परेशान। बता दे, यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रशिया को सिर्फ प्रतिबंधों से ही नहीं जकड़ा है, बल्कि अब अमेरिका ने रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को ही बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। और इसके लिए अमेरिका ने रशिया के टॉप डिफेंस वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित करने वाले ऑफर्स दिए हैं। और अगर रूसी वैज्ञानिक अमेरिका के ऑफर्स के झांसे में आते हैं दोस्तों, तो यकीनन रूस के डिफेंस इंडस्ट्री पर अब तक का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। रूस के साइंस और टेक्नोलॉजिकल बेस को बर्बाद करने के लिए जो बाइडेन प्रशासन ने रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अमेरिका में आकर्षित करने के लिए एक अभियान चलाने की योजना बना रहा है दोस्तों। अमेरिका के CERN परमाणु प्रयोगशाला में रूसी भौतिक विदों को काम करना जारी रखने में मदद करने की भी योजना बना रहा है, ताकि अगर रूसी वैज्ञानिकों का वीजा खत्म भी हो जाए तो उन्हें वापस रूस लौटने की जरूरत ना हो। राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस योजना का पहली बार खुलासा ब्लूमबर्ग ने 29 अप्रैल को किया था, और दावा किया गया है कि इस योजना के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने $33 अरब के सप्लीमेंट्री बिल को मंजूरी दे दी है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या रशिया के साइंटिस्ट दोस्तों अमेरिका के इस ऑफर में आ जाएंगे दोस्तों, क्या वो इसको इन ऑफर्स में लुभावने बन जाएंगे दोस्तों, क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूस ने उड़ाया ओडेसा एयरपोर्ट, तो यूक्रेन ने हवा में ही ले लिया बदला, 2 सुखोई समेत 9 टारगेट हुए ध्वस्त। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 68वां दिन है। इस युद्ध से मची तबाही ने यूक्रेन को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है दोस्तों। हालांकि यूक्रेन बैक फुट पर आने को तैयार नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ओडेसा एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है। ओडेसा के रीजनल गवर्नर ने कहा है कि रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से रॉकेट दागा गया, जिसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। तो वहीं रूसी सेना द्वारा ओडेसा में उड़ाए गए रनवे का बदला यूक्रेन उससे हवा में ही ले लिया गया। यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई और 7 UAV मार गिराए। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच हम आपको बता दें, जहां पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान को भीख में मिला $8 बिलियन का पैकेज, पीएम शहबाज ने डूबते देश को बचाने के लिए सऊदी अरब के सामने फैलाई थी झोली। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से भीख में $8 बिलियन का बड़ा पैकेज मिला है दोस्तों। उसे ये मदद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान मिली है। पाकिस्तानी अखबार न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज
पैकेज में तेल की वित्त पोषण सुविधा को दुगना करना, डिपॉजिट के माध्यम से अतिरिक्त धन देना और मौजूदा 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से जुड़ी सुविधाओं को शामिल किया गया है। बहुत बड़ी खबर। मीडिया रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से पहचान न बताने की शर्त पर कहा गया है कि हालांकि तकनीकी जानकारी पर अभी काम किया जा रहा है और सभी दस्तावेज को तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने में कुछ हफ्तों का समय अवश्य लगेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर दोस्तों, जहां पाकिस्तान से जुड़ी खबर, जहां मदीना में पीएम शहबाज शरीफ को चोर चोर कहने पर बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में इमरान खान समेत 150 पर FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में फजीहत का असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समेत 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। PMLN के समर्थकों का कहना है कि मदीना में जो भी कुछ हुआ है वो इमरान खान की पार्टी के इशारे पर हुआ है। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने इमरान खान और उनकी पूर्व कैबिनेट के कुछ सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें, बीते दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे दोस्तों, जहां पर वो जब जैसे ही मदीना में यानी मस्जिद नबवी में एंट्री कर रहे थे, तभी लोगों ने चोर चोर और गद्दार के नारे लगाना शुरू कर दिया दोस्तों, जिसके बाद वहां हलका मच गया और इसकी पूरी गूंज पाकिस्तान में अब सुनने को मिल रही है। दोस्तों ऐसे में शहबाज शरीफ को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन का बड़ा आरोप, रूसी सेना ने कब्जे वाले क्षेत्रों से की कई लाख टन अनाज की चोरी, देश में ईंधन की किल्लत भी बढ़ी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के उप कृषि मंत्री तारास विसोत्स्की ने कहा है कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में भारी मात्रा में अनाज चोरी कर रही है, जबकि उसके राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि युद्धग्रस्त देश ईंधन की कमी का सामना कर रहा है। विसोत्स्की ने शनिवार को यूक्रेनी टेलीविजन को बताया है कि आज इस बात की पुष्टि हो गई है कि ज़ापोरिज्या, खेरसान, दोनेस और लुहांस क्षेत्रों से कुल मिलाकर कई लाख टन अनाज बाहर लेकर जाया गया है। यूक्रेन दुनिया के प्रमुख अनाज उत्पादकों में से एक है और रूसी आक्रमण के निर्यात को कम कर दिया गया है दोस्तों। और ऐसे में रूसी सेना पर दोस्तों इन अनाजों को चोरी करने का बड़ा आरोप लगा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय होगी, जिस प्रकार से रूसी सेना दोस्तों यूक्रेन में घुसी है, क्या वो अनाज चोरी करके वापस अपने देश रशिया लेकर जाएगी दोस्तों, क्या रूसी सेना का यही मोटिव था? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये आरोप बेबुनियाद है या सही है, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। आपके जो भी निजी विचार हो कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज दोस्तों वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां युद्ध के 67वें दिन जेलेंस्की ने पलटी बाजी, 23,000 सैनिकों को मारने का बड़ा दावा बौखलाए पुतिन, करेंगे चौतरफा हमला। आपको बता दें दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध के बीच रूस के सैनिकों को एक संदेश भेजा है दोस्तों, और ये संदेश नहीं एक तरह की चेतावनी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो रूसी सैनिकों जो युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन आए हैं वो अभी भी अपनी जान बचा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है दोस्तों कि उनकी देश की सेना ने अभी तक 23,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार दिया है। इस बीच दोस्तों खबर यह है कि कैंसर से जूझ रहे रूसी राष्ट्रपति अगले कुछ दिनों में अपनी शक्तियां अपने भरोसेमंद जासूस को सौंप सकते हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां पर चीन की हिमाकत का ताइवान ने दिया करारा जवाब, एयर स्पेस से भाग खड़े हुए लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, चीन ने एक बार फिर ताइवान को आंख दिखाने की हिमाकत की है। जी हां दोस्तों, शनिवार को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के दो रूसी निर्मित सुखोई फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए थे। चीन फाइटर जेट के एयर स्पेस में घुसने के बाद ताइवान की सेना भी अलर्ट हो गई और ड्रैगन को जवाब देने के लिए अपने दोनों लड़ाकू विमान भेज दिए। इसके साथ ताइवान की सेना ने रेडियो अलर्ट भी जारी कर दिया। ताइवान के लड़ाकू विमान को देख चीन के फाइटर जेट वापस लौट गए। चीनी फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए ताइवान ने अपने वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की भी तैनाती कर दी। चीन विमान को ताइवान में घुसपैठ वहां का स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:53 और दोपहर में 1:23 हुआ था। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बीवी की सहयोगी पर लगे आरोपों पर इमरान खान ने अब तोड़ी चुप्पी दिया ये करारा जवाब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार अपनी पत्नी बुशरा बीवी की करीबी सहयोगी फराह खान के आरोपों का चुप्पी तोड़कर जवाब दिया है दोस्तों। इमरान खान ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह
वजह से उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान की एंटी करप्शन मॉनिटरिंग नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बोले तो NBA ने गुरुवार को फरार खान पर आय के अज्ञात स्रोतों के जरिए अवैध संपत्ति जमा करने और अन्य आरोपों की जांच का निर्देश दिया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां PM का भाषण कवर नहीं कर पाया पाकिस्तानी चैनल तो 17 कर्मचारियों को दिखाया गया बाहर का रास्ता। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की लाहौर यात्रा का खराब कवरेज करना सरकारी TV चैनल के अधिकारियों को भारी पड़ गया। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार ने यात्रा को अच्छी तरह कवर करने में नाकाम रहने पर 17 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते ही लाहौर में कोट लखपत जेल और रमजान बाजार का दौरा किया था। इसी यात्रा के बाद वे भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल के साथ सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना हुए थे। बताया ये जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तान की सरकारी टीवी चैनल के अधिकारियों को अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप नहीं मिल सका, इस कारण उनके वीडियो को अपलोड करने में देरी हुई। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। इसी बीच आपको बताते जहाँ रूस के करीबी सर्बिया ने पहली बार दिखाई चीन से खरीदी घातक मिसाइल, टेंशन में आया पूरा यूरोप। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय देश सर्बिया ने हाल ही में चीन से खरीदी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की नुमाइश की है। ये मिसाइलें जमीन से हवा में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले ही तनाव चरम पर है। इसी बीच रूस के करीबी सर्बिया में चीनी मिसाइलों की मौजूदगी से अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। चीन ने पिछले महीने ही गुपचुप तरीके से सर्बिया को HQ-22 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की थी, लेकिन बेलग्रेड हवाई अड्डे पर चीनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मौजूदगी ने चीन की पोल खोल दी। जी हाँ दोस्तों, सर्बिया ने चीनी मिसाइलों को दिखाने के लिए बाकायदा जनता और मीडिया को राजधानी बेलग्रेड के पास बटाज़िन्का मिलिट्री एयरफील्ड में आमंत्रित किया था। साथ ही आपको बता दे दोस्तों, जहां यूक्रेन को नॉर्वे से मिला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, डेनमार्क भी देगा हथियारों का जखीरा। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देश भी खुलकर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। नॉर्वे ने यूक्रेन को मिस्ट्रल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम दिया है दोस्तों। वहीं डेनमार्क भी बड़ी तादाद में यूक्रेन को हथियार देने की योजना बना रहा है। डेनमार्क के मीडिया समूह ऑल्फी की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क यूक्रेन को दर्जनों बख्तर बंद गाड़ी और मोर्टार देने जा रहा है। दोस्तों, डेनमार्क की तरफ से यूक्रेन को 25 पिरान्हा 3 बख्तर बंद गाड़ियां, 50 M113 बख्तर बंद गाड़ियां और M10 मोर्टार के साथ हजारों की तादाद में गोले मिलेंगे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको बता दे, जहां पर भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी बने CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, दिल्ली में 8 साल तक की है इन्होंने पढ़ाई। जी हां दोस्तों, अमेरिका में भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ नंद मूलचंदानी को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, CIA के निदेशक विलियम जे बंस ने नंद मूलचंदानी की नियुक्ति की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी नियुक्ति की घोषणा भी की थी। CIA के मुताबिक मूलचंदानी के पास सिलिकॉन वैली में काम करने का 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कार्नेल से कंप्यूटर साइंस और मैथ में डिग्री, स्टैनफोर्ड से मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री और हार्वर्ड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने 1979 से 1987 के बीच दिल्ली के ब्लू बेल्ट स्कूल इंटरनेशनल से पढ़ाई की है। दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनने के लिए, दोस्तों वो भी अमेरिका के। अगली खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटिश सांसद ने भारत में बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल तो केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दिया करारा जवाब। बता दे, अपने देश में पार्टी गेट स्कैंडल का सामना कर रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को उनकी हालिया भारत यात्रा के एक हिस्से के चलते आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन की सांसद नाडिया विटोम ने भारत यात्रा के दौरान गुजरात में एक JCB फैक्ट्री जाने पर जॉनसन को निशाने पर लिया। बोरिस जॉनसन का JCB की फैक्ट्री का ये दौरा भारत के कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होने के आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाए जाने के बाद हुआ था। दोस्तों, नॉटिंघम ईस्ट से लेबर सांसद विटोप ने ब्रिटेन की संसद में सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री जॉनसन की इस भारत यात्रा ने वहां के भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन की ओर से किए जा रहे विध्वंस को वैध बनाने में क्या उनकी मदद की।
की। तो वहीं दोस्तों भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने करारा पलटवार किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैं उस युवा ब्रिटिश सांसद को दोष नहीं देता जिसे सच्चाई नहीं पता है और जिसने भारत की नकारात्मक छवि पेश की है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की ओर से शुरू किए गए नकारात्मक अभियानों का परिणाम है जिनका एकमात्र लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विशाल उपलब्धियों को बदनाम करना है। भारत कानून के शासन में विश्वास करता है। दोस्तों किरण रिजिजू के बात का क्या आप समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप समर्थन करेंगे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक जहां आपकी इच्छा हो। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर अफगानिस्तान के काबुल में 2 दिन के भीतर दूसरा सबसे बड़ा धमाका। दोस्तों एक महिला की मौत और कई हुए घायल। बता दें तालिबान राज वाले अफगानिस्तान में बम धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रमजान के महीने में भी मस्जिदों में धमाके कर आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों ईद उल फितर की छुट्टी के मौके पर भी देश में हिंसा जारी है। शनिवार को काबुल में एक पैसेंजर वैन में बड़ा धमाका हो गया जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों यह अफगानिस्तान की राजधानी में 2 दिन के भीतर हुआ दूसरा सबसे बड़ा धमाका है। ईद के मौके पर देश में सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की चिंता भी बढ़ गई है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें जहां शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मई महीने के अंत में विशाल मार्च निकालेंगे। इमरान खान जनता से साथ देने की मांगी अपील। जी हां दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को मई के अंतिम सप्ताह में जनता से इस्लामाबाद की ओर एक विशाल मार्च करने की घोषणा की। एक वीडियो मैसेज में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ प्रमुख ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ एक लंबा मार्च और विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर पाकिस्तानी चाहे वो पीटीआई समर्थक हो या नहीं मई के अंतिम सप्ताह में अपने देश के घोर अपमान के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस्लामाबाद की ओर मार्च करे। जी हाँ दोस्तों ऐसे में दोस्तों आप सभी से सवाल है इमरान खान या शहबाज शरीफ कौन अच्छे से सरकार को चला पाएगा? दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। या दोनों के दोनों ही पाकिस्तान को डुबाने के सबसे बड़े कारण बनेंगे? क्या लगता है आपको कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर बंगाल के दुर्गापुर में लैंडिंग के समय स्पाइस जेट की फ्लाइट हुई दुर्घटनाग्रस्त। 40 यात्री घायल, 10 की हालत गंभीर। जी हां दोस्तों स्पाइस जेट के बोइंग B737 विमान को लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लैंडिंग से ठीक पहले स्पाइस जेट की SG-945 फ्लाइट काल बैशाखी तूफान में फंस गई। दोस्तों फ्लाइट के तूफान में फंसने की वजह से केबिन में मौजूद सारा सामान अपने आप गिरने लगा जिसके कारण विमान में मौजूद 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। स्पाइस जेट की फ्लाइट मुंबई से दुर्गापुर की ओर उड़ान भर रही थी। दुर्गापुर पर लैंड करने से ठीक कुछ मिनटों पहले फ्लाइट तेज हवाओं के थपेड़ों की चपेट में आ गई। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि घायल पैसेंजर्स को तत्काल मेडिकल सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बोइंग 737 का संचालन SG-945 फ्लाइट के रूप में हो रहा था। वरिष्ठ विमानन अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट की दुर्गापुर में सेफ लैंडिंग कराई गई है। हालांकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर जहां पर दिल्ली में 6000 के करीब पहुंचा कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा। 1485 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1485 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 के करीब पहुंच गई है। राहत भरी बात दोस्तों यह है कि कई दिनों के बाद कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दोस्तों कोरोना संक्रमण दर 4.89% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 30,398 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए और 1204 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। राजधानी में फिलहाल कोरोना के कुल 5997 एक्टिव मरीज हैं। इसी बीच आपको बता दें जहां पर उद्धव सरकार को राज ठाकरे की बड़ी धमकी। 3 मई तक न हटे मस्जिदों से लाउडस्पीकर तो आगे जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। बता दें महाराष्ट्र की राजनीति में वार पलटवार का दौर जारी है। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर उठ रहे विवाद में राज ठाकरे मुखर हो गए हैं। दोस्तों उन्होंने राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हट सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर धार्मिक मुद्दा नहीं है, इसे धार्मिक मुद्दा बनाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। मैं कहीं
नहीं दे नहीं भड़काना चाहता। लाउड स्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है, ठाकरे ने कहा। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए दी गई 3 मई की समय सीमा के बाद जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मनसे प्रमुख ने कहा कि 4 मई से सभी हिंदू मस्जिदों के ऊपर के लाउड स्पीकर से दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएं। उन्होंने कहा अगर वे यानी मुसलमान अच्छे से नहीं समझते हैं तो हम उन्हें महाराष्ट्र की ताकत दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का शोर धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, ठाकरे ने कहा कि सभी लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर जो भी है वो अवैध है। उन्होंने पूछा कि क्या ये एक संगीत कार्यक्रम है जिसमें इतने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार लाउड स्पीकर हटा सकती है तो उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को ऐसा करने से कौन रोक रहा है, क्या रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत कुछ कहा दोस्तों राज ठाकरे ने, सारी बात आपको बताएंगे तो काफी वक्त हो जाएगा। ऐसे में राज ठाकरे के इन बातों का क्या समर्थन करेंगे दोस्तों, क्या लगता है आपको, इनका कहना गलत है या सही, बताना मत भूलिएगा आप लोग कमेंट में। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां बिजली संकट पर केजरीवाल सरकार पर बरसे ऊर्जा मंत्री, कहा गलत आंकड़े देकर जनता को डरा रहे हैं केजरीवाल। जी हां, इन दिनों देश के कई हिस्से बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार लोगों को झूठी जानकारी दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के पत्र का जवाब दिया और कहा कि इसमें स्टॉक के जो आंकड़े दिए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें दोस्तों, जगली बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा का किया उद्घाटन, कहा कि भारतीय चाहे कहीं भी रहे अपनी भारतीयता नहीं भूलते। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कनाडा के सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण वर्चुअल तरीके से भारत सहित शिरकत कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस मौके पर पीएम मोदी जी ने कहा कि ये भारत और कनाडा संबंधों का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन सतत विकास पर भारत की आवाज समस्त मानवता का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बता दें अगली खबर, जहां उत्तर प्रदेश में देर रात बड़ा फेरबदल, सीएम योगी जी ने 16 IAS अफसरों का किया तबादला, आखिर किसको मिली तैनाती बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार रात 16 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके तहत अपर मुख्य सचिव राज्य कर विभाग तथा अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। औद्योगिक विकास विभाग के ACS अरविंद कुमार पर भरोसा कायम रखते हुए उन्हें औद्योगिक विकास आयुक्त का मुख्य रूप से चार्ज दे दिया गया है दोस्तों। साथ ही अब तक ACS ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विकास मनोज कुमार सिंह को महत्वपूर्ण तैनाती देते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त बना दिया गया है। तकनीकी शिक्षा में तैनात अमृत अभिजात को प्रमुख सचिव नगर विकास की जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, इसी से जुड़ी, जहां मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा फैसला, नोएडा लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रविवार को टीम 9 के साथ उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने NCR के जिलों व लखनऊ में लिए सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी बनाने को कहा है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में अलर्ट जारी करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए जागरूक किया जाए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए, साथ ही स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। PM के मार्गदर्शन में ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। चौथी लहर को लेकर सभी टीमें अलर्ट मोड पर जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां वेदर अपडेट, जल्दी मिलेगी भीषण गर्मी से राहत, दिल्ली में मौसम बदल रहा करवट, आखिर कहां कहां मेहरबान होंगे बादल। आपको बता दें, देश में प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है दोस्तों। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में पिछले 122 साल में अप्रैल का महीना सबसे अधिक गर्म रहा, हालांकि अब मई का महीना आ गया है। मई आते ही मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है दोस्तों। IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रहने की उम्मीद है। तो वहीं मौसम विभाग ने सोमवार यानी 2 मई से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है दोस्तों। और ऐसे में दोस्तों आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके यहां पर कितना टेम्परेचर अभी बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।